हर गंगा की हर मोड़ पर अपनी अलग कहानी है, पर राम तेरी गंगा क्यों मैली हो ही जानी है। इस गंगा ने पर अब अपनी ताकत पहचानी है, खुद को मैला ना मानने की अब गंगा ने ठानी है। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष और आप देख रहे हैं द चौपाल। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा, जो 5 राज्यों के 97 शहरों से और लगभग 4465 गांवों से होकर गुजरती है। गंगा का लगभग 1000 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ये गंगा की गाथा में कई धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अध्यायों को जोड़ते हैं। तभी तो गंगा माँ की निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे अभियान को मोदी सरकार ने आरंभ किया था और गंगा माँ की कसम खाई थी कि इसे स्वच्छ बनाकर रखेंगे। जिसके बाद कल यानी मंगलवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज और पर्यावरण कानूनों के विशेषज्ञ जस्टिस माइकल डी विलियम्स ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गंगा की तरफ एक सांस्कृतिक रुझान है, गंगा माँ की पवित्रता के लिए भारतीय स्तर पर बहुत अच्छा समाधान होगा। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को गंगा नदी की परवाह है और उन्होंने निर्मल गंगा योजना को एक जबरदस्त सामुदायिक परियोजना बताया। जस्टिस विलियम्स ने मंगलवार को कहा कि जब कोई गंगा के दर्शन के लिए जाता है, गंगा के बहाव यानी कि प्रवाह को महसूस करता है, उसमें नहाता है, तो केवल उसमें भीगता नहीं बल्कि गंगा माँ से प्रेरित होता है। ये एक बेमिसाल सामुदायिक आस्था का विषय है। और उन्होंने ये भी कहा कि इतने अधिक प्रदूषण और गंदगी के बावजूद भी लोगों ने गंगा से अपना नाता तोड़ा नहीं है, बल्कि आज भी भारतीय लोगों में उसके प्रति सम्मान है। इसको अगर पौराणिक नजरिए से भी देखा जाए तो इसका भारतीय समाधान हो सकता है। ये एक संस्कृति है जो आस्था में विश्वास करती है। ये प्रतिबद्धता लगभग 2000 सालों से भी अधिक समय से संस्कृति और मान्यताओं में नजर आती है। भारतीय लोग मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग के दौर और कार्बन उत्सर्जन के उच्च स्तर को खत्म करने के लिए भी पूरे विश्व के साथ प्रतिबद्ध है। असल में जस्टिस विलियम्स ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में लेक्चर देने भारत आए थे, जिसमें जस्टिस विलियम से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच समानताओं के बारे में भी लोगों ने प्रश्न पूछ लिया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदियों की परवाह करते हैं और क्यों लोग उनकी तुलना ट्रंप से करते हैं। दोनों में कुछ मामलों में तुलना हो सकती है, लेकिन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं मानता हूँ सभी नेताओं में कुछ हद तक अतिशोक्ति और राजनीतिक समानताएं होती है, लेकिन मुझे इस बार में कोई संदेह नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री को गंगा नदी से बेहद लगाव है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है। खैर, जाते जाते मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बचा कर रखना गंगा को, ज़रूरत कल भी होगी। बचा कर रखना गंगा को, ज़रूरत कल भी होगी। यकीनन आने वाली पीढ़ी इतनी पाक नहीं होगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।